शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। हारी को क्या जरूरत थी ठाकुर साहब को सारी सच्चाई बताने की? तो और मैं क्या करता, जीजू साहब बार बार पूछने लगे कि मैं काहे त्याई जीजी से इतनी नफरत करते हो, तो मैंने वो ही बताया जो मारे को पता था। अरे तू तू कुछ और ना बोल सकता था के? मारे को तो किसी ने भी ना बताया कि मारे को भी आप सबकी तरह जीजू साहब से झूठ बोलना चाहिए, और फिर आप भी माए से बोला करती थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने बता दिया जो सच्ची बात थी। मारे भाई साहब, आप ठाकुर साहब को सच्चाई बताने के बजाय अट्ठे फोन करके खबर तो कर सकते थे ना। मैंने जीजू साहब के वास्ते चाय लाने के बहाने काकी साहब के फोन से फोन किया तो, पर रसाल जीजी ने मारे फोन को जवाब ना दियो, और फिर बापू ने भी मारो फोन ना उठायो। क्या बोल रहा है तू? झूठ ना बोल रहा हूँ, अब काकी साहब से पूछ लो। मैंने हवेली के नंबर पे फोन किया तो, पर किसी दास ने उठायो। वो मारे से बोलने लगे कि बापू ने और आप सब ने बता देंगे कि जीजू साहब गाँव में मारे साथ है। तूने हवेली फोन किया था, पर अठे तो किसी ने खबर ना की। मैं क्या करूं, बट्टे मारे को जीजू साहब ने रोकने में मुश्किल पड़ रही थी, तो मैंने वे कमरे में बंद कर दियो। जी घीसू ने बापू और रसाल ने फोन किया था तो उन्हें पता कैसे ना चला? और हवेली के फोन पर घीसू की किससे बात हुई होगी? मासा मैं और मामा साहब मदन सिंह और रसाल के फोन में उलझ कर रखी। उस छोटे से बच्चे ने बाजी मार दी, हमारे सारे किए करे पर पानी फेर दिया उसने। अरे भांजे, मैंने किसी तरह रसाल और मदन सिंह के फोन को अपनी अपनी जगह पर रख दिया है, और लैंडलाइन का कनेक्शन अभी तक नहीं कर पाया हूं। अब एक काम करो, किसी फोन कंपनी को ज्वाइन कर दो, एक भी काम ना कर सका अब जाके उसे फोन ठीक कर दो। ठीक है, जाता हूं। ऐसी गलती भूल कर भी मत कर। अब तक तो उस घीसू ने बता दियो को उसने हवेली में फोन किया था, उसको इतना कहना कई सवालों को खड़ा कर देवे को, ये सोचो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जब घीसू का फोन आया था तो किसने उठाया था, किसने की थी उससे बात और हमें बताया तक ना? ठाकुर साहब, मैं तो तभी अट्ठे से चला गया था जब आपने छोटे ठाकुर साहब को ढूंढने को हुक्म किया था। ठाकुर साहब, मैं तो हवेली के बाहर पहरा दे रहा था। छोरा, तूने हवेली के नंबर पे ही किसी से बात की होता ना? जी बड़े ठाकुर साहब, वो बोलने लगे कि घर पे कोई भी नहीं है, वो जाके खबर कर देगो। पर ये कैसे हो सके ठाकुर साहब, हवेली को फोन तो बंद है। के? ठाकुर साहब खुद ही देख लो। चंचल सही बोल रही है, लैंडलाइन तो बंद पड़े हुआ है। हवेली को फोन बंद हो तो फिर घीसू की किससे बात हुई होगी? क्रॉस कनेक्शन लग गया हो, और बच्चे की आवाज सुनकर किसी ने मजाक कर दिया होगा। ऐसा हो सके, वरना अठे रणवीर की खबर आए और कोई काय कर नहीं बतावे। छोरा, थारी उम्र तो बहुत छोटी है, पर तूने काम बहुत बड़ो किया है जो तू अपने साथ रणवीर को अठे ले आया। ठाकुर रणवीर साहब हमारे जीजो साहब, तुम्हें कैसे ना लाता? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें चरित्रहीन कहकर तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारे बच्चे को नाजायज कहा है जबकि वो जायज है। तुम्हें बेवजह डांटा है जबकि गलती तुम्हारी नहीं थी। तुमने मुझ पर अधिकार दिखाना चाहा जो कि तुम्हारा हक था, और फिर भी मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। I'm sorry for that, Rasal.
मुझे माफ कर देना प्लीज। हाँ ठाकुर साहब, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत ना, क्योंकि आपने बारे से जो भी कहो अनजाने में कहो। आपको तो ये भी याद ना है कि मैं कौन और क्यों आप पर अपना अधिकार जता रहे। आपकी कोई गलती ना, मैं ही खुद पर काबू ना रख सकी, पर अब सब ठीक हो जावे को ठाकुर साहब। आपने मारे बच्चे को स्वीकार कर लियो और अब मारे को आपसे कोई शिकायत ना। अरे बींद हो आप मारे, भला कोई बींदनी अपने बींद से नाराज हो सकेगी। ठाकुर साहब अब हम फिर से एक हो जावेंगे। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगा, आज मैं रुक्मी से प्यार करता हूं, बेतहा प्यार। कभी रुक्मी को ना समझकर मैंने उससे नफरत की थी, लेकिन अब उसे जानकर मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूं। रसल, तुम्हारे प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं नहीं भूलूंगा, जरूर निभाऊंगा। तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम भी दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगा रसल, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी पत्नी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। तो आंसू सूख गए मोर साजन, राहत कत मोरी अखियां सूनी, तो आंसू सूख गए किस कारण मोरे साजना, किस कारण मोरे साजना मुझसे रूठ गए। जब हम जानते हैं कि रुक्मी रणवीर भाई साहब की हालत का फायदा उठाकर हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, तो इस तमाशे में हम सब उसका साथ क्यों दे रहे हैं? हम रुक्मी को ना, रणवीर को साथ दे रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, रुक्मी को तो वही मिल रहा है जो वो चाहती है, और रसाल भाभी साहब अन्याय हो रहा है उनके साथ। दादी साहब आप तो कुछ कीजिए, आपका कहा तो ताया साहब भी नहीं टालते, अगर आप कुछ कहेंगी तो। के कहूं और किससे कहूं मुमल, हम सब चाहे रुक्मी से कितनी भी नफरत कर ले पर उससे रणवीर की बिंदड़ी होने को हक कोई ना छीन सके हैं। मगर रणवीर भाई साहब खुद भी तो रुक्मी से नफरत करते हैं, अभी उन्हें कुछ याद नहीं। इसी वास्ते आज जो हो रही हो है रणवीर के लिए वही सच है।
और रसाल भाभी सा, उनका क्या? उन्हें भी तो रणवीर भाई सा ने ही अपनी बिंदड़ी होने का अधिकार दिया था ना। यू ही तो भाग्य का खेल है मोमल। पहले रणवीर ने ही रसाल को अपनी बिंदड़ी होने को अधिकार दियो, हम सबने मान लिया, और आज रणवीर ही रुक्मी को अपनी पहली बिंदड़ी होने को अधिकार देना चाहे है, तो हम सबको मानना ही होवेगा ना। और सच तो यो है कि वो रुक्मी और रसाल दोनों ही रणवीर की बिंदड़ियां हैं, और यो बात कोई झुठला ना सके। अपनी सोतड़ को अपनी भीड़ के साथ। अरे उसकी जिम्मेवार तू है। अरे आप तो यही कहोगे, आप भी इस साजिश में शामिल हो, आप पर भी उस रुक्मी ने। रुक्मी पर लांछन लगाने के पहले अपनी करतूत ने याद कर। अरे ना तू रुक्मी की लिखी चिट्ठी बदलती, न रसाल का ब्याज हमारे हिसाब से होता, पर थारे को तो थारी छोरी को इस हवेली की रानी बनाना था। सोना चांदी रुपए पैसों को लालच आ गयो, आज उसी लालच को नतीजो है। अरे तूने खुद अपनी छोरी को जीवन बर्बाद कियो है। कभी आंसू नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। क्या हुआ?
मुझ पर विश्वास नहीं। एक मिनट। ये देखो रुक्मी, हमारे सपनों का घर, ये तुम हो और ये मैं। मैंने इस पर लिख दिया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ सपनों के घर में रहूंगा। अब तुम भी लिख दो रुक्मी कि तुम मेरे साथ हमेशा इस सपनों के घर में रहोगी। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ वचनबद्ध हो जाए। फिर अगर कोई हमें अलग करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये गवार है हमारे एक दूसरे को दिए वचन का। ये तस्वीर याद है तुम्हें रुक्मी? आज इस तस्वीर के सामने मैं एक बार फिर तुम्हें वचन देता हूं, जिंदगी भर हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज तक मेरी वजह से तुमने जो भी दुख सहे उन सबको मैं अपने प्यार से भर दूंगा रुक्मी। आई लव यू, आई रियली लव यू। और अब जिंदगी भर मैं तुमसे इसी तरह प्यार करता रहूंगा, जिंदगी भर। रो मत प्लीज, आज हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तक जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। और अब मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ कर चलो। मैं समझ सकता हूं तुम्हें ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा होगा, एक ऐसा सपना जो आंख खुलते टूट जाता है। लेकिन तुम डरो मत रुक्मी, डरो मत, अब ये सपना कभी नहीं टूटेगा। आज से यही हमारी हकीकत है रुक्मी, हमारे जीवन की हसीन हकीकत। मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी, और ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। क्या बात है रुक्मी, मुझे नहीं बताओगे? फिर से तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? तो फिर बात क्या है रुक्मी? तुम मेरी तरह खुश क्यों नहीं दिख रही हो? मुझे तुम्हारी आंखों में मुझे हमारे नए जीवन के सपने क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं रुक्मी? बोलो ना, क्या बात है? क्योंकि इन आंखों को सपने देखने की आदत ना रही ठाकुर साहब, सिर्फ टूटे हुए सपनों की चुभन जाए अपने और अपनों की भीख। आंसू जाने हरी तरह इन्हें भी अपनी खुशी से डर लग गया ठाकुर साहब, और दूसरों के दुख से तकलीफ। मैंने कहा ना रुक्मी, अब तुम्हारा कोई सपना कभी नहीं टूटेगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अच्छा बोल, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए? बोलो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बोल। अब ना कर सकोगे? तुम क्या कर तो देखो। तो फिर आप मने वचन दो ठाकुर से। अगर मेरे वचन देने से तुम्हें तसल्ली मिलती है रुक्मी, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। बोलो क्या करना होगा मुझे? आप
रसाल को अपनी बीवी स्वीकार कर लो।